सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आप पता है आरआरबी एलिपिन टेक्नीशियन का रिजल्ट दोस्तों आ चुका है, रिवाइज रिजल्ट पूरी तरह से। यहाँ जो रिजल्ट घोषित हुआ था, मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि कट ऑफ मार्क्स में प्लस माइनस 2 से ज़्यादा का अंतर नहीं आने वाला है। जो मैंने बोला था दोस्तों वही हुआ है, रिजल्ट में ज़्यादा अंतर नहीं आया है। तो आज हम लोग बात करें कि क्या क्या बदलाव हुए हैं नए रिजल्ट में। गुवाहाटी, कलकत्ता, मालदा, पटना, सिकंदराबाद के रिजल्ट की हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 7 से 8 रिजल्ट पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, जो ये आखिरी हैं जो आ चुके हैं। अभी 5 से 6 जून के रिजल्ट आना बाकी है दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट आ जाएंगे आपके सामने आ जाऊंगा। जो भी दोस्त पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करते हैं ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हो उन लोगों को मिलते रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पहले सभी जोनों के, इन 5 जोनों के कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ कितने कैंडिडेट पास किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिकंदराबाद जोन की। तो सिकंदराबाद जोन में अगर बात करें, कट ऑफ जो रहने वाली रही है दोस्तों जनरल की दोस्तों 61.26 रही है, और इससे पहले जो कट ऑफ थी दोस्तों सिकंदराबाद की वो थी 59.96, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पूरे पूरे 2 नंबर बढ़े हैं। ओबीसी की बात करें सिकंदराबाद में दोस्तों 52 पहले थी, इस बार 53 रही है, तो 1 नंबर का फर्क आया है। एसटी और एससी की बात करें सिकंदराबाद से तो दोस्तों 41 पहले थी और इस बार 40 आप देख सकते हैं, और पहले 34 थी और इस बार 33 रही, तो 1 से 2 नंबर का ही सभी जन में फर्क आया है। यूआर सर्विसमैन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले आपकी 34 गई थी कट ऑफ, इस बार 41 गई है दोस्तों। पहले 40 थी, इस बार 41 गई है। ओबीसी की पहले 30 थी, इस बार भी 30 रही है, और एससी की दोस्तों पिछली बार 30 थी, इस बार 31 रही है। तो ज़्यादा अंतर इन कट ऑफ में नहीं आया है, यहाँ जरूर 1-2 नंबर का कट ऑफ है सिकंदराबाद जोन में। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पटना जोन की अगर बात करते हैं, तो पटना जोन से जनरल की कट ऑफ पिछली बार जो दोस्तों पटना जोन की कट ऑफ थी 40.096 थी, और इस बार देख सकते हैं 40.03 है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा पॉइंटों में अंतर आया है। ओबीसी की कट ऑफ दोस्तों पिछली बार 30.41 थी और इस बार 30.02 है, तो यहाँ भी दोस्तों 0.3 नंबर का ही फर्क आया ओबीसी की कट ऑफ में। एससी की कट ऑफ 30.20 पिछली बार थी और 30.04 इस बार है, तो यहाँ भी एससी की कट ऑफ कम हुई है, और एसटी की 26.11 से 26.08 रह गई, तो यहाँ भी देखिए कट ऑफ कम हुई है। तो यहाँ टोटल सिकंदराबाद में हर जोन में कट ऑफ कमी हुई है, पटना जोन में कट ऑफ सभी की कम हुई है। नेक्स्ट चलिए दोस्तों देख लेते हैं, बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट जोन है वो है दोस्तों मालदा जोन। मालदा जोन में जो जनरल की कट ऑफ थी दोस्तों पिछली बार थी 50 और इस बार रही है 51.80, और दोस्तों ओबीसी की बात करें तो 30.168 पिछली बार थी और 32.20 इस बार है, यानी कि पूरे 2 नंबर यहाँ पे बढ़े हैं। अगली बात करते हैं एससी में 30.75 पिछली बार थी और 30.418 पहली बार है इस बार है, मतलब कि पॉइंट में कुछ नंबर का फर्क आया है। एससी की बात करें, एसटी की बात करें तो 25.19 पिछली बार थी और 25.00 इस बार है, यानी कि ज़्यादा नंबर का फर्क यहाँ पे भी नहीं हुआ है। चलिए बात करते हैं दोस्तों यूआर एक्स सर्विसमैन की, पिछली बार जो कट ऑफ थी 40.56 थी, इस बार दोस्तों 42 आई है, ठीक है। ओबीसी एक्स सर्विसमैन की बात करें तो पिछली बार 39 थी, इस बार 38 है, और एससी एक्स सर्विसमैन की पिछली बार 56 थी, इस बार 57 है। यहाँ पर कई जगह पर मार्क्स बढ़ रहे हैं, कई जगह पर मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो मालदा जोन के आपको मार्क्स पता पड़ गए होंगे पिछली बार कितने थे और इस बार कितने आए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो हमारा सबसे अच्छा जोन सो बहुत लोग मानते हैं गुवाहाटी जोन। तो गुवाहाटी जोन के भी जितने भी कट ऑफ है सभी जोनों की, सभी वैकेंसी की जो कट ऑफ आई है बात कर लेते हैं एक करके। गुवाहाटी जोन की दोस्तों पिछली बार की कट ऑफ गई थी 47.14, इस बार 43.05 गई है, तो ज़्यादा कट ऑफ का अंतर नहीं रहा है। ओबीसी की बात करें पिछली बार 35 थी दोस्तों, इस बार भी 35.50 थी, इस बार 35.09 है, कट ऑफ कम जरूर हुई है मगर ज़्यादा फर्क नहीं आया। एससी में पिछली बार 30.29 थी, इस बार 30.19 यहाँ भी कम हुई है, और एससी में 25.28 से 25.00 है, तो यहाँ टोटल गुवाहाटी जोन में सब जगह कट ऑफ कमी हुई है, चाहे वो जनरल हो, एसटी हो, एससी हो और ओबीसी हो, हर जगह कट ऑफ कमी हुई है। और यहाँ भी अगर आप एक्स सर्विसमैन की और ओबीसी की बात करें तो यहाँ कट ऑफ कम ही पाई गई है। अगला जो जोन है दोस्तों हमारा वो है भुवनेश्वर जोन की, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये दोस्तों 5 जोन की मैंने आपको कट ऑफ बता दिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कितने कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सिकंदराबाद जोन से कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा था, और यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि कितने लोग जो हैं टोटल क्वालिफाई किए हैं। सिकंदराबाद जोन से अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए 25,095, यानी कि 25,095 लोगों ने क्वालिफाई किया सिकंदराबाद जोन से। पटना जोन की अगर हम बात करें दोस्तों, पटना जोन से भी आपको दिखा देता हूँ कि कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, यहाँ ज़्यादा सीटें नहीं थी इसीलिए यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है दोस्तों 2240 कैंडिडेट ने टोटल पटना जोन से क्वालिफाई किया है। अगला देखते हैं मालदा जोन का देख लेते हैं दोस्तों, मालदा जोन से जो टोटल कैंडिडेटों ने क्वालिफाई किया है दिखा देते हैं आपको। यहाँ दोस्तों कुल मिला के 5,575 लोगों ने, 5,575 लोगों ने टोटल क्वालिफाई किया है मालदा जोन से। नेक्स्ट है दोस्तों आपको कलकत्ता जोन से अगर आपको दिखाएं, तो कलकत्ता जोन से जो टोटल कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया काफ़ी अच्छी सीट थी, तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं।
पटना जोन से टोटल 11,161 लोगों ने क्वालिफाई किए। तो दोस्तों ये वो सारे कैंडिडेट थे जो लोगों ने क्वालिफाई किए, कट ऑफ मार्क्स आपको दिखा दिया है। आप अपने मार्क्स जो पिछले मार्क्स थे और इस बार मार्क्स से कितने मार्क्स बढ़े, कितने मार्क्स कम हुए, कमेंट करके बताना ना भूलें। कमेंट करके जल्दी से मार्क्स बताएं अपने। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।